नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टुडे। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव, आज जुड़ चुका हूं आपके साथ पांच मुख्य खबरों के साथ। अंतरिम बजट 2019 के उद्योग जगत से लेकर किसान और मध्यम वर्ग सभी ने चौतरफा सराहना की। अंतरिम बजट में सरकार ने देश के हर वर्ग के लोगों के कल्याण की कोशिश की। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास की सरकार की नीति का ही अलग चरण है, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। शुक्रवार को पेश हुए अंतरिम बजट में सरकार ने नौकरी पेशा लोगों के साथ ही महिलाओं पर भी खास ध्यान दिया है। सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। योजना के तहत 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को सालाना 6,000 रूपए दिए जाएंगे। किसानों को सीधे बैंक खाते में 3 किश्तों में 2,000 रूपए मिलेंगे। योजना का फायदा 1 दिसंबर 2018 से ही मिलेगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए सरकार ने टैक्स में बड़ी राहत दी है। अगले वित्त वर्ष 2019-2020 में अब टैक्स स्लैब इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए तक कर दिया गया है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैविंग टैक्सेबल एनुअल इनकम अप टू ₹5 लाख विल गेट फुल टैक्स रिबेट। Not be required to pay any tax. As a result, even persons having gross income up to ₹6.5 lakhs may not be required to pay any income tax if they make investments in provident funds, specified savings, insurance, etc. 6.5 lakh तक जब आप ये investment करते हो, तो 6.5 लाख तक भी कोई टैक्स नहीं आएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो स्पेसिफाइड सेविंग्स। पहली बार बजट में असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों लोगों के लिए भी सरकार ने पेंशन स्कीम लॉन्च की है। वही विपक्षी दलों ने इस अंतरिम बजट को चुनावी बजट बताया है, तो वही कुछ ने इसे किसान विरोधी बजट भी बताया। अंतरिम बजट पेश होने के साथ ही विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के बजट को चुनावी बजट बताया है। इलेक्शन का पहले तो इलेक्शन में जो भी होता है इलेक्शन बजट में, इसका भविष्य कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है, अगर हमारा स्टेट का जो देखिए, दिस इज अ वेरी वाइटल क्वेश्चन आई एम रेजिंग इट। आज बीजेपी पावर में है, कल नहीं रहेगा। उसका स्टेट में कुछ कुछ जगह में तो गवर्नमेंट रहेगा। कांग्रेस पावर में नहीं है लेकिन उसका कुछ गवर्नमेंट है। हम लोग को रीजनल पार्टी का बहुत सारे गवर्नमेंट है। दिस इज द फेडरल स्ट्रक्चर। स्टेट गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल। आवर डिमार्केशन इज बीन टोटली सेपरेटेड, व्हाट इज द सेंट्रल सब्जेक्ट, व्हाट इज द स्टेट सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द ज्वाइंट सब्जेक्ट। अभी क्या करते हैं, स्टेट को निकाल के खुद अपना प्रोग्राम डिक्लेयर करते हैं, दैट दे के नॉट डू। एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, पैरेलल गवर्नमेंट चलाता है। दूसरी ओर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी अंतरिम बजट को वास्तविकता से दूर बताया। वहीं एनडीए के पूर्व सहयोगी रहे उपेंद्र कुशवाहा ने भी बजट को किसान विरोधी बताया है। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि मोदी सरकार का बजट सामाजिक न्याय वाला बजट है। जम्मू कश्मीर के सोपियान में आतंकियों ने शुक्रवार को एक दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया। आतंकियों ने 25 साल की एक महिला का पहले अपहरण किया और फिर दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या कर डाली। जम्मू कश्मीर पुलिस को इस महिला का गोलियों से छलनी शव मिला, साथ ही यह जानकारी भी दी गई कि आतंकियों ने घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक जघन्य वारदात को अंजाम देते हुए एक 25 वर्षीय महिला की बेहद नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी। हैरानी की बात ये रही कि आतंकियों ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि पीड़िता की पहचान पुलवामा के डूंगरपुर निवासी इशरत मुनीर के रूप में हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला का शव शोपिया जिले के दागराद इलाके से बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने कानून के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा बलों को आतंकियों के खिलाफ जबरदस्त कामयाबी मिली है और इसलिए वे बौखलाहट में आम नागरिकों को भी निशाना बना रहे हैं।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए विश्व हिंदू परिषद आज कुंभ में गंगा पूजन करेगा। वीएचपी के पदाधिकारी और साधु संत संगम के एरावट गेट के पास हवन पूजन करेंगे, जिसमें मंदिर निर्माण का संकल्प किया जाएगा। वहीं वीएचपी और आरएसएस की ओर से मंदिर मुद्दे पर बैकफुट पर चले जाने के से नाराज साधु संत आज मन की बात करेंगे। इससे पहले शंकराचार्य के परम धर्म संसद के बाद शुक्रवार को प्रयागराज में वीएचपी की धर्म संसद से भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की किसी तारीख का ऐलान नहीं हुआ। इससे वहां मौजूद कई साधुओं और लोगों ने हंगामा किया। हालांकि संघ प्रमुख ने सरकार को सावधान करते हुए कहा कि हम मन वचन और कर्म से मंदिर निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर ही बनेगा और संघ इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। बिहार के सिवान के नगर थाना क्षेत्र के दक्षिण टोला में शुक्रवार देर रात राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के भतीजे यूसुफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि यूसुफ को काफी करीब से गोली मारी गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बिहार के सिवान जिले में शुक्रवार देर रात अपराधियों ने आरजेडी के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के भतीजे यूसुफ की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आरोपियों ने यूसुफ के सीने में करीब से गोली मारी, उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए और हंगामा करने लगे। हत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। वहीं पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि सिवान के बाहुबली आरजेडी नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन चर्चित तेजाब हत्याकांड के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद चल रहे हैं। उन्हें लोअर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस फैसले को चुनौती देते हुए शहाबुद्दीन ने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। तो ये भी आज की पांच मुख्य खबरें। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टुडे। तब तक ले दीजिए इजाजत, नमस्कार। नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।